बात करती थी अपने पेरेंट्स के साथ, उसकी एक रीजन है क्योंकि 8th हाउस इसका बहुत ज्यादा खराब है, 8 आ रहा है हर जगह, तो उसकी वजह से ये थोड़ा इंसल्ट करती थी अपने पेरेंट्स। बाद में ठीक हो गई क्योंकि इसके जो हम लोगों ने स्टोन्स दिए वो ठीक हो गई, एकदम एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की बात मानने लग गई। अब ये स्टडीज को परस्यू कर रही है तो ध्यान तो भटकता ही है क्योंकि 50-50 है अभी। हम लोगों ने अगर इसको और स्टोन्स दे दिए तो यहाँ पे 60 और 40 ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर सकते हैं, पर रोक नहीं सकते, पर इंसल्ट होने से बच जाती है। लाइफ में एक लड़की तो होती है जिसकी इंसल्ट हो गई तो हमारे देश में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, उसका मैरिज होना या उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है सोसाइटी के लिए। उस लड़की को तो वो गलत ही समझने लग जाता है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब बचपने की बातें हैं। इसमें फायर एज है, ये फायरी एज है, 16, 17, 18, 19, 20, इसमें गलतियां हो जाती है, बच्चों को माफ कर देना चाहिए, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। पर अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली आए हैं यहाँ पे तो हम लोग वी कैन सी एंड एनालाइज कि हमारे बच्चे को हमें कस्टडी देनी चाहिए किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर 7, 8, 12 लग गया और वीनस की कहीं उसमें दशा चल रही है तो उसका रेप भी हो सकता है, ईव टीजिंग भी हो सकती है। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे राहु के साथ केतु शुक्र हो, वीनस हो 7th हाउस में, तो उस लड़की को हम लोग अकेला नहीं छोड़ सकते, कस्टडी उसकी हम लोगों को देनी नहीं चाहिए, ना ही उसको अकेला भेजना चाहिए। उसके साथ वो हादसा कभी भी हो सकता है क्योंकि हजारों लड़कियां बाहर निकलती हैं, बसेस में जाती हैं। अब वो दिल्ली का रेप केसेस होते हैं, उसमें से 100 लड़कियों में से 98 तो वापस आ जाते हैं, 2 लड़कियों का रेप हो जाता है क्योंकि ये सब चल रहा होता है उसकी लाइफ में। तो वी कैन एस्ट्रोलॉजिकली सी और उसको हम बचा सकते हैं एक प्रिकॉशंस लेके, जब हमें पता चल जाए कि उस लड़की के साथ ऐसा गलत तो नहीं हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है, पेरेंट्स से, कि एक तो एनालाइज जरूर कराएं अपनी लड़की का डेट ऑफ बर्थ वगैरह, इसको ऐसे मत छोड़ दें कि मेरी लड़की बहुत अच्छी है या क्या है। नो डाउट वो अच्छी होगी, पर अगर उसका अट्रैक्शन कहीं हो गया तो आप रोक नहीं सकते, वो प्लैनेट्स उसको उसकी तरफ ले ही जाएंगे, उसका अट्रैक्शन वहां हो ही जाएगा। अब ऐसे ही बच्चों के एजुकेशन का अट्रैक्शन होता है तो वो एजुकेशन की तरफ भागते हैं, ऐसे ही स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्शन होता है तो स्पोर्ट्स की तरफ भागते हैं, ऐसे ही लव अफेयर्स की तरफ अट्रैक्शन हो तो लव अफेयर्स ही करेंगे, उसमें वो अबॉर्शन भी आ जाएगा, रेप भी आ सकता है, ईव टीजिंग भी हो सकती है और कई लड़कों के साथ बेड प्लेजर्स भी हो सकता है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आप लोग एनालाइज करवाते हैं, आप अपनी मर्जी से हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कंसेंट है, यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू एनी एस्ट्रोलॉजर। हमारा नंबर है 9998068356981546269। यू कम विद योर ओन कंसेंट, देर इज नो फोर्सेबल, नो बडी इज फोर्सिंग यू टू कम टू मी। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी में कहीं ऐसा दिख रहा है आपको कि वो उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है या कहीं हो रहा है, तो एक बार एनालाइजेशन जरूर करवा लें, सिटिंग करें बैठ के। तो उसमें हम लोग बताएंगे कि कौन से पीरियड में आपको अपनी बेटी को बचाना है या ध्यान रखना है उसका। ऐसा होता ना, आप लोग चले गए लड़की को छोड़ के और उसने मौका देखा, अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया, ये बहुत आम बात है आज की डेट में, और वो बेड प्लेजर्स कर जाएगी। अगर वो बच्चे का जन्म होने लगे तो अबॉर्शन कराना ही पड़ेगा, तो इट इज बेटर टू टेक प्रिकॉशंस। एक बारी एनालाइजेशन हो जाएगा तो आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, इसमें शर्माने की बात नहीं है। तो चुप चुपीते हैं आप, यू कैन कम टू एनी टू मी एस्ट्रोलॉजर, वो कभी भी इसको लीक नहीं करता। अब ये लड़की के माँ बाप भी आए थे तो आज हमने इनकी इज्जत भी बचा ली, उस लड़की को भी बचा लिया। अब वो ठीक है, स्टडीज कर रही है, ध्यान भटकता है, पर वो हमने जो प्रेयर्स दिए हैं, मंत्र दिए हैं उसको, और जो ये स्टोन्स है, उस नेगेटिव एनर्जीज को रोक के पॉजिटिव एनर्जीज को अंदर करते हैं। तो जब भी हम वो ऐसी फीलिंग आती है, हमने उसको एक मंत्र दिया हुआ है इससे रिलेटेड दो, जिसको वो पढ़ने से उसकी जो नेगेटिव एनर्जी उसको कम कर हो जाता है। तो इफ यू लाइक माई प्रोग्राम, यू डेफिनेटली सब्सक्राइब इट एंड लाइक माई वीडियोज, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। फॉर टूडे दिस इज द टॉपिक आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक, फ्रॉम नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक टू सम अदर टॉपिक, लिटिगेशन और सम अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। Till that time, I just want to say you that God bless you and believe in God. Whatever God says, that is the most important. Whatever your heart says, you believe that also. So, for till that time, goodbye.